गुड इवनिंग क्लास, मैं प्रिंस प्रजापति आपके परिवार विद्यार्थी क्लासेस प्रतापपुर मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज मैंने सुबह आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कि एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आज हमारा टॉपिक चलेगा, वो क्या चलेगा, 2023 आईपीएल। और मैंने आपको इसमें बताया था कि इस बार की आईपीएल विजेता कौन सी टीम रही, CSK, और उपविजेता कौन सी रही, गुजरात। तो इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आज आपको बताऊंगा। और आप सभी को बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमारा जो YouTube चैनल है वो है @ विद्यार्थी क्लासेस 01। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो देखने का काम करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और सेशन का नाम क्या है, क्या 2023 IPL इंडियन प्रीमियर लीग, क्या इंडियन प्रीमियर लीग 2023, ये कौन से नंबर का या कौन सी श्रृंखला या कौन सी सीरीज खेली गई, ये 16वें क्रम का आईपीएल था, 16वां सीजन था, क्या आईपीएल का कौन सा 16वां सीजन था, 16वां क्रम था, ठीक। विजेता टीम मोस्टली बच्चों को पता है, ताकि सभी ने अब भी इस बार के आईपीएल देखा है, क्यों, किसके कारण, कौन है ऐसा कारण, कौन, अपना माही, माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी। और इस बार की टीम भी विजेता कौन रही है, अपने माही की, कौन, महेंद्र सिंह धोनी की। कौन से नंबर का था, 16वें नंबर का आईपीएल था, और विजेता टीम कौन सी रही, CSK, कौन सी, CSK। CSK के कप्तान कौन है, CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग, CSK के कप्तान कौन है, ये तो बहुत ही फेमस है, बताना कौन, माही, कौन है, माही मतलब धोनी, कौन है, धोनी। इससे आगे चलते हैं, इससे अगला पॉइंट है कौन, उपविजेता कौन है, जीटी मतलब गुजरात टाइटल्स या, और इसके कप्तान कौन है, इसके कप्तान है बधाई हो मतलब हार्दिक पांड्या मतलब जब हम किसी को बधाई देते हैं तो क्या, बधाई हो, क्या मतलब हार्दिक शुभकामनाएं हो, तो इसके कौन कैप्टन है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कौन है, कैप्टन है। और फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया, क्या फाइनल कहां हुआ था, ये फाइनल मैच कहां हुआ, फाइनल मैच कहां हुआ था भाई, फाइनल मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहां,
नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहां पर है? कहां पर है? अहमदाबाद। कहां पर है? अहमदाबाद। कहां पर? अहमदाबाद के अंदर है। कहां हुआ फाइनल मैच? अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कुल कितने मैच खेले गए आईपीएल में इस बार 16वें सीजन में? कुल कितने मैच खेले गए? कितने मैच खेले गए? कुल मैच कितने खेले गए? 74 मैच इसमें खेले गए। और 74 मैच कैसे खेले गए होंगे? पहले इसकी क्या पता होनी चाहिए हमको? टीम के बारे में पता होना चाहिए कि कुल कितनी टीम थी। कुल कितनी टीम थी इस बार? 10 टीम थी। कितनी? 10 टीम थी। कुल टीम 10 टीम थी। ठीक। सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाली टीम, सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? क्या सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? बताएं सभी बच्चे। मोस्टली बच्चों ने आईपीएल देखा है और ये सीजन भी देखा है और इसे पिछला सीजन भी देखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और इसका सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे कि ये 16वें सीजन का जो मैंने बताया आपको कौन जीता खिताब? सीएसके, जिसका उपविजेता कौन रहा? गुजरात। और मैं आप सभी से कमेंट में जानना चाहूंगा कि 15वें क्रम का, 15वां जो आईपीएल था, 15वां सीजन जो था, उसका खिताब किसने जीता और उसका उपविजेता कौन था? आप मुझे ये सब कमेंट में आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी। जी, सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाले कौन? इस साल की 2023 में किसने जीता? सीएसके। किसने जीता? सीएसके। और फिर कौन है? एमआई, मुंबई इंडियन। कितनी बार जीता सीएसके ने? 5 बार। और मुंबई ने पहले ही 5 बार जीत चुकी है। ठीक। सीएसके का क्रम में बता दूं कि सीएसके ने कब कब जीता, सीएसके कब कब आईपीएल का खिताब इन्होंने जीता है? कब? 2010 का खिताब इन्होंने जीता है, 2011 का खिताब इन्होंने जीता है, 2000 कब का? 2010, 2011, 2018 का खिताब इन्होंने जीता है, फिर इस बार 2021 का खिताब इन्होंने जीता और 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। क्या? 10, 11, 18, 21 और 23। ये 5 बार की, 1, 2, 3, 4, 5 5 बार का आईपीएल खिताब सीएसके ने जीता है। आगे की ओर चलते हुए मैं और इस बार का सबसे महंगे आईपीएल का, इस बार का सबसे महंगा बिकने वाला प्लेयर कौन है, ये भी आप सब कमेंट में आंसर करेंगे। आगे चलता हूं। क्या डकवर्थ लुईस, ये जो मैच हुआ है फाइनल, ये कैसा मैच हुआ है? क्या डकवर्थ लुईस नियम के साथ? कैसा? डकवर्थ लुईस और रिजर्व डे में फैसला इस मैच का हुआ है, इस फाइनल मैच का, 2023 के फाइनल का जो मुकाबला था, इसका जो परिणाम आया है वो क्या? जिस दिन ये फाइनल होना था उस दिन क्या था? बारिश हुई थी बहुत, तो ये क्या कर दिया था?
अगले दिन शिफ्ट कर दिया था। क्या इसे क्या कहेंगे? डगवर्थ लुईस नियम कहेंगे। और रिजर्व डे में फैसला हुआ डगवर्थ लुईस, क्यों? कि जिस दिन ये मैच हुआ उस दिन भी बारिश थी, और जब ये रिजर्व डे में कराया गया मैच तो उस दिन भी बारिश हुई, तो जब भी क्या हुआ डगवर्थ लुईस नियम लगा। ठीक। और आईपीएल का जो आरंभ हुआ इस वर्ष 2023 का जो आरंभ हुआ आईपीएल का, इसका लास्ट मैच और फर्स्ट मैच किसके बीच हुआ? फर्स्ट मैच और लास्ट मैच कौन सा? 74 वो मैच किसके बीच हुआ? ये दोनों सेम ही टीम है जो ये फाइनल मैच जो हुआ है और ये फर्स्ट मैच जो हुआ, CSK और गुजरात। किसके? CSK और गुजरात। फाइनल मैच भी किसके हुआ? CSK और GT गुजरात, चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस। फर्स्ट मैच भी किसके बीच हुआ? गुजरात और CSK। और फाइनल मैच भी किसके बीच हुआ? CSK और गुजरात। आगे चलते हैं कि कुल टीम मैंने आपको बता दी थी कि कितनी है, कुल टीम कितनी थी हमारे पास, कुल टीम की संख्या कितनी थी? 10 टीम थी 2023 के आईपीएल में। ठीक। और ये 10 टीम कब हुई? इससे पहले 2022 का जो सेशन हुआ था, 2022 में जो सेशन हुआ था, कब? 2022 में जो सेशन हुआ उसके अंदर दो टीम आईपीएल के अंदर नहीं आई थी। दो टीम क्या आई थी? नहीं आई थी। कौन कौन सी टीम आई थी? एक तो GT और लखनऊ। ठीक। गुजरात और लखनऊ। लखनऊ। इसके कैप्टन कौन है? अभी आपको बताया, कौन है? हार्दिक पांड्या। और इसके कौन है? हार्दिक पांड्या। और इसके कौन है? KL राहुल। लखनऊ टीम के कैप्टन जो है वो कौन है? KL राहुल। और गुजरात टीम के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। गुजरात टीम के जो कोच है कौन? कोच। और लखनऊ के जो कोच है, कोच के बारे में पता रखो कि कौन है। गुजरात के कोच है आशीष नेहरा। कौन? आशीष नेहरा, जो भारतीय टीम के एक फास्टर बॉलर रह चुके हैं। ठीक। आशीष नेहरा। और लखनऊ के जो कोच हैं वो हैं गौतम गंभीर। आपने देखा होगा कि क्वालिफाई होने से पहले एक मैच के अंदर गौतम गंभीर और विराट कोहली की फाइट हुई थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा वो मैच। तो दोनों ही दिल्ली के बंदे हैं और दोनों ही गर्म दिमाग के बंदे हैं थोड़ा सा, तो दोनों भिड़ गए। कौन? RCB और लखनऊ के जो RCB के प्लेयर हैं और लखनऊ के कोच हैं, उन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई थी एक मैच के दौरान। इससे आगे चलते हैं कि कैप्टन के बारे में बात कर ली जाए। कैप्टन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि हाँ, 2022 की मैंने आपसे पूछा था ना भाई, इससे पहला जो 2022 में जो मैच हुए, मतलब इससे पिछला सीजन जो रहा, इससे पिछला सीजन तो 2022 में ये हुआ, ताकि क्या चल रहा है अभी मैच खत्म है, तो 2022 में कौन विजेता रहा, कौन रहा था, मैंने अभी आपको बताया विजेता कौन था, विजेता टीम कौन सी रही? गुजरात।
और उप विजेता टीम कौन सी रही? उप विजेता टीम रही थी आर आर राजस्थान रॉयल। कौन सी? आर आर राजस्थान रॉयल। ठीक है, 2022 के सेशन मतलब 15वां जो सेशन था वो कौन थी विजेता? गुजरात। उपविजेता राजस्थान। आगे चलते हैं, मैं कैप्टन के बारे में बात कर रहा था, कैप्टन के बारे में बात करते हैं। कैप्टन कौन है? कप्तान। तो कौन? सी एस के एम आई आर सी बी जी टी गुजरात। इसके तो बहुत फेमस है, आपको पता ही है। कौन? सी एस के के कैप्टन कौन है? धोनी, जो इस बार के विजेता टीम है। एमआई के कौन है? रोहित शर्मा। आरसीबी के कौन है? फॉप डुप्लेसी। गुजरात के कौन है? हार्दिक पांड्या। कौन है गुजरात के? और लखनऊ के कौन है? के एल राहुल। कौन से? लखनऊ के हैं। और आगे चलते हैं, इसके मैंने आपको इनके क्या बताए, कैप्टन बता दिए, कोच बता दिए। सीएसके के जो कोच हैं वो है फ्लेमिंग। कौन है? फ्लेमिंग। और मुंबई के कोच है ब्राउच। गुजरात के कोच हैं आशीष नेहरा। लखनऊ के कोच हैं कौन? गौतम गंभीर। ठीक, विजेता राशि। अब जब कोई विजेता बनता है तो उसे कुछ ना कुछ क्या मिलता है? कुछ ट्रॉफी के साथ इनाम मिलता है, इनामी राशि मिलती है। जैसे कि विजेता राशि, इसके बाद उपविजेता, उपविजेता राशि। क्या विजेता और उपविजेता को दोनों को क्या मिलती है? राशि मिलती है। कितना? विजेता टीम को कितने मिलेगी? 20 करोड़ रुपए से मिलेगी। उपविजेता को कितने मिलेगी? 12.5 करोड़। विजेता टीम को कितने मिलेगी? 20 करोड़। उपविजेता टीम को कितने मिलेगी? 12.5 करोड़। फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता? दिल्ली कैपिटल्स ने। कौन सा जीता? फेयर प्ले अवार्ड्स। एक मिनट गाइस, जी आइए। क्या फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता? दिल्ली कैपिटल्स। आईपीएल में दो कैप होते हैं, एक तो ऑरेंज कैप जो क्या किसे मिलती है? सर्वाधिक रन बनाने वाले को। और एक पर्पल कैप किसे मिलती है? सर्वाधिक विकेट लेने वाले को। तो ऑरेंज कैप किसे मिली इस बार की? भाई मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने जो वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो देखेंगे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बार की ऑरेंज कैप किसने जीती या किसे मिली। तो मैं इसका आंसर
थोड़ा देर में बताऊंगा, लेकिन आप सभी बच्चे कमेंट करें मुझे, या ना भी बताऊंगा तो आपका कमेंट आना चाहिए कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे मिली, किसे, क्या ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप और कौन सी, ऑरेंज कैप और कौन सी, पर्पल, पर्पल कैप किसे किसे मिली। मैं ये तो बता सकता हूं कि कौन से टीम के प्लेयर को मिली, मगर आप नाम बताएंगे। दोनों जो है गुजरात टीम के प्लेयर हैं, इस बार की जो मिली है गुजरात टीम के दोनों प्लेयर हैं, बॉलर भी और बैटर भी। नाम आप बताएंगे क्या बैटर ने और एक साथ, और हाँ किस बैटर को मिली, क्यों मिली और कितने रन मारे उसने, कितने रन बनाए उसने, ठीक, कितने विकेट लिए, ठीक। अगला पॉइंट है मेरा क्या, सबसे मूल्यवान संपत्ति, सबसे मूल्यवान संपत्ति कौन है। शुभम गिल गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट, क्या गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट। जब मुंबई इंडियन का क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा था, जब क्वालिफाई मैच चल रहा था, तो कितना शुभम गिल ने 129 या 120 के आसपास रन बनाकर गेम को पलट दिया। तो स्कोर गया था कितना 212 या 230 के आसपास स्कोर था, जिससे के कारण मुंबई इंडियन क्वार्टर क्वालिफाई करने से रह गई, ठीक। अगला पॉइंट है क्या, सबसे लंबा सिक्स, सबसे लंबा छक्का किसने मारा, सबसे लंबा सिक्स किसने लगाया, कौन से टीम के प्लेयर ने लगाया, बताएंगे क्या आप कितने मीटर लंबा सिक्स लगाया। सबसे लंबा सिक्स किसने, फाफ डुप्लेसिस ने लगाया, जो आरसीबी के कैप्टन है, कौन, फाफ डुप्लेसिस ने लगाया। सबसे लंबा सिक्स फाफ डुप्लेसिस ने लगाया, कितना लंबा सिक्स था, 115 मीटर का, कौन, आरसीबी के कैप्टन है फाफ डुप्लेसिस, जो मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट मेरा है कि कैच, कैच ऑफ द मैच या कैच ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे अच्छा, मतलब इतने सारे कैच लिए गए हैं आईपीएल के अंदर, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा या सबसे ज्यादा एफर्ट लगाने वाला कौन खिलाड़ी है, जिसने अच्छा कैच पकड़ा, जिसने अच्छा कैच लिया, मतलब अच्छा विकेट लिया उस टाइम, बताओ जल्दी। कैच ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, उम्मीद भी नहीं होगी कि कौन हो सकता है, आप सब सोचेंगे कि शायद अच्छी फील्डिंग, जडेजा, विराट कोहली, सब इंडियन के बारे में सोचेंगे कि ऑफ डुप्लेसिस ये भी अच्छी फील्डिंग करते हैं, रोहित शर्मा जी, बताइए कौन, राशिद खान, जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं राशिद खान, और राशिद खान कौन सी टीम से खेल रहे हैं, गुजरात से खेल रहे हैं, जिन्हें कैच ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है या अवार्ड मिला है, ठीक। अगला इमेजिंग प्लेयर, इमेजिंग प्लेयर, इमेजिंग प्लेयर का मतलब जिन्होंने बहुत ही अलग हटके इस बार 2023 के आईपीएल में कुछ करके दिखाया है, कौन है वो इमेजिंग प्लेयर, देखो, और वो प्लेयर है उस टीम के जो 2022 में उपविजेता रही है, कौन सी टीम उपविजेता रही है, ये मैंने आपको बताया अभी, और आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सी टीम है, कौन सी, वेरी गुड, आर मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, कौन, यजस्वी, यजस्वी या यजस्वी जायसवाल, कौन है, यशस्वी जायसवाल, कौन है, आरआर के दाएं बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, ठीक। फाइनल, फाइनल मैच, फाइनल मैच के अंदर जो फाइनल मैच हुआ है उसके अंदर जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, सर्वाधिक शतक लगाने वाले हैं, टाइटल कौन रहा है, हाँ सबसे बड़ी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे लिख लेना, टाइटल मतलब स्पॉन्सर, भाई ये जो 2023 का जो आईपीएल हो रहा है इसका कौन टाइटल, इसका टाइटल कौन है, इसका स्पॉन्सर कौन है, बताएगा कोई मुझे,
इसका टाइटल कौन है, स्पॉन्सर कौन है इसका 2023 का? टाइटल बताएगा कोई, कौन है टाइटल? टाइटल बताओ कि कौन इसे करा रहा है। जैसे कि कुछ टाइम पहले चला था वीवो, वीवो ने इसे करा था, तो इस बार का कौन है टाइटल? क्या टाटा? कौन है? टाटा। आप देखते होंगे कि टाटा आईपीएल या टाटा बॉक्स के अंदर जो अलग देखते हैं ना, कि अब आईपीएल देखते हैं तो उनके लिए टाटा बॉक्स एक बना होता है अलग, बिल्कुल फील्ड से अलग, एक मतलब एसी वाला जो चलता है, जो बिल्कुल वो देखते हैं कि हाँ अलग ही एक रूम बना रखा है उन्होंने, इस तरह से बॉक्स बना रखा है, उस पर लिखा रहता क्या टाटा, और यहाँ दो चार कुर्सियां डाल रखी है उन्होंने, तो खड़े होकर रेलिंग पे भी देखते हैं जो, तो क्यों ने टाटा जो इसका स्पॉन्सर है। ठीक, और फाइनल मैच के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, कौन फाइनल मैच के अंदर जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो कौन है? फाइनल मैच किस किस का हुआ? CSK और क्यों गुजरात। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है बताएगा कोई? CSK के प्लेयर रहे हैं कौन? कॉनवे। इनका नाम पूरा क्या है? डेविड कॉनवे। कौन है? कॉनवे, कॉनवे इनका पूरा नाम है, डेविड कॉनवे। ठीक, और सर्वाधिक शतक लगाने वाले कौन है इस बार आईपीएल में? ये कौन से प्लेयर है? ये शुभम गिल। कौन है? शुभम, शुभमन गिल, शुभमन गिल। कौन है? शुभम गिल। ये भारतीय है, एक भारतीय बल्लेबाज हैं जो इंडियन टीम की तरफ से खेलते हैं, और इस बार इन्होंने कितने शतक लगाए हैं? इन्होंने 100 लगाए। कितने? 300 लगाए, 3 शतक इन्होंने इस 2023 के आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाए हैं। कितने? 3 शतक लगाए हैं। अभी मैंने आपको बताया टाइटल, टाइटल्स कौन है? टाटा। ठीक, आगे चलते हैं हिस्ट्री, मतलब थोड़ा सा कुछ पिछला जान लेते हैं कि थोड़ा कुछ आईपीएल के बारे में कुछ पिछला जान लें कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई, कहां से ही, सबसे पहला खिताब किसने जीता। तो मैं आपको बता दूं कि पहली सीरीज कब स्टार्ट हुई इसकी, आईपीएल जब स्टार्ट हुआ, आईपीएल कब शुरू हुआ? 2008। कब शुरू हुआ? 2008। इसकी विजेता टीम कौन थी? विजेता टीम कौन थी? इसकी विजेता टीम भी बताओ और उपविजेता टीम भी बताओ। कौन सी? उपविजेता, उपविजेता टीम कौन थी बताएगा कोई? बताओ जल्दी, कौन सबसे पहले किसने जीता? RR, ट्रिपल आर मत लगा देना कभी मूवी बना दो, RR मतलब राजस्थान रॉयल। उस टाइम इसके कैप्टन कौन थे? उस टाइम इसके कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर हैं, बहुत ही मतलब शानदार स्पिनर रहे हैं, जिनका निधन भी हो गया है। कौन? सेन वॉन, सेन वॉन। कौन है? सेन वॉन, सेन वॉन उस टाइम इसके कैप्टन थे। उपविजेता कौन है? CSK, CSK उपविजेता रही है। विजेता टीम मैंने आपको बताया 5 बार उपविजेता रही, मतलब 5 बार क्या रही है? विजेता रही है। कौन? 2010, 2011, 18, 21 और 23। CSK ने 5 बार खिताब जीते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक, और उपविजेता 2008 की भी रही है, फाइनल में पहुंची है मगर जीत नहीं पाई। ठीक, आईपीएल, आईपीएल को कराता कौन है? बीसीसीआई। क्या? इसे आयोजन कौन करता है? आईपीएल को कराता कौन है? बीसीसीआई।
अब बीसीसीआई के बारे में मैं बता दूं तो इसकी स्थापना कब हुई है? बीसीसीआई की स्थापना, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है बताएगा कोई? 1928। कब? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई है। और अब मैं इसके में तुमसे पूछना चाहूंगा कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर? क्या इसका मुख्यालय कहाँ पे है बताएगा कोई? मुख्यालय 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 बताओ भाई कहाँ है इसका? जी मुख्यालय बीसीसीआई का मुख्यालय कमेंट में आंसर करेंगे सभी। कहाँ? मुंबई। कहाँ? कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई ठीक। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? रोजर बिनिंग। कौन? रोजर, यही है ना? रोजर कौन है भाई? रोजर बिनिंग कौन है? वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। ठीक, अगला पॉइंट इसका आईपीएल, आईपीएल के बारे में कि इस बार सर्वाधिक रन बनाने वाले, आईपीएल में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं भाई? सर्वाधिक शतक, सर्वाधिक रन इस बार किसने बनाए? शुभम गिल ने बनाए। लेकिन अब तक सर्वाधिक रन एक आईपीएल में बनाने वाला प्लेयर कौन है? कौन है सर्वाधिक रन बनाने वाला? विराट कोहली। कौन? रन मशीन कौन है? विराट कोहली। सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन है? युजवेंद्र चहल। एक है यशस्वी जायसवाल जो आरआर के हैं, एक है युजवेंद्र चहल जो वो भी इस बार राजस्थान रॉयल के अंदर ही हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं प्रिंस प्रजापति विद्यार्थी क्लासेस प्रतापपुर मेरठ। धन्यवाद।